देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें, छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढके और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मले। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें, बीमार लोगों से कम एक मीटर की दूरी रखें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थान जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy.